सनातन संस्कृति में भारत की आत्मा निवास करती है। वर्तमान परिवेश में इसके संरक्षण की महती आवश्यकता है। समाज संगठित होगा तो राष्ट्र संगठित होगा। उक्त उद्गार सर्व सनातन ब्राह्मण समाज की बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने दिए। साथ ही 3 मई अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। सर्व सनातन ब्राह्मण समाज की बैठक प्रदेश अध्यक्ष नर्वदा शंकर भार्गव, जिला अध्यक्ष रजनीश शर्मा, वीरेंद्र भार्गव, बीपी भार्गव, बाबूलाल शर्मा की उपस्थिति में भगवान परशुराम की पूजन अर्चन के बाद त्रिमूर्ति भवन गुना में प्रारंभ हुई। बैठक में लखन शास्त्री, डॉक्टर ओपी त्रिपाठी, भोला शंकर भार्गव, बसंत शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, महेश बोहरे, ओपी शर्मा और पार्षद भट्ट, आनंद व्यास, शरद शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी वक्ताओं ने शोभा यात्रा में भव्यता लाने के लिए विचार व्यक्त किए। बैठक में विगत दिनों प्रदेश अध्यक्ष पद पर नर्मदा शंकर भार्गव को निर्वाचित किए जाने पर गुना इकाई के द्वारा सम्मान किया गया। संगठन विस्तार के लिए भार्गव समाज जिला अध्यक्ष पद पर घनश्याम भार्गव भदौरा और कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र भार्गव, सर्व ब्राह्मण समाज जिला मीडिया प्रभारी आनंद व्यास को सर्वसम्मति से घोषित किया गया। सभा का संचालन अनिल भार्गव, आभार नरेंद्र भार्गव ने किया। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव सप्ताह के समापन पर विप्र भवन नजूल कॉलोनी गुना पर भी विचार गोष्ठी और स्नेह भोज रखने का निर्णय लिया। बैठक में इसका सार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते कि आज की जो बैठक आयोजित की गई है उसका मुख्य उद्देश्य भगवान श्री परशुराम की आगामी 3 मई को परशुराम जन्म उत्सव के रूप में, विराट जन्म उत्सव के रूप में और एक भव्य जन्म उत्सव के रूप में हम सब लोग मनाएंगे। हमारे वरिष्ठजनों ने, हमारे बुजुर्गों ने सारे अपने विचार व्यक्त और सुझाव रखने के बाद जो आखिरी निर्णय हुआ है उसको मैं एक बार फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। जैसा कि हम 3 मई को सुबह 8 बजे मंडी प्रांगण में हनुमान जी के मंदिर पर एकत्रित होंगे और ये चल समारोह विभिन्न रास्तों से गुजरता हुआ और इसका समापन दुबे कॉलोनी के मंदिर पे होगा। इस बीच विभिन्न वक्ताओं ने जो सुझाव रखे चल समारोह के संबंध में उसमें बहुत सारी बातें निकल करके जो आई है उसमें ये भी निर्णय हुआ कि हम सब लोग ब्राह्मण समाज की जो वेशभूषा है धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा या महिलाएं पीले रंग की साड़ी या लाल रंग की साड़ी में ही आएगी। ये चल समारोह अधिक से अधिक भव्य बने, विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम को हम करते आ रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, तो इस बार मैं सभी विप्र बंधुओं से, सभी समस्त समाज के वरिष्ठ जनों से यह अनुरोध कर रहा हूँ कि हम आज से ही जो 16 दिन का समय बचा है उसमें एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दें और अधिक से अधिक अपने लोगों से हम संपर्क करें, व्यापक प्रचार प्रसार करें। प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने अभी घोषणा करी कि जून माह में हम एक भार्गव ब्राह्मण हो, कनाट ब्राह्मण हो या अन्य कोई भी ब्राह्मण है उन सबकी एक जिला स्तरीय बैठक करेंगे और उसमें हमारे जो प्रतिभाएं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करेंगे, तो ये आयोजन हम जून माह में करेंगे। मैं पूरे इस सदन को आज जो लोग आपने समय निकाला उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम आने वाले 3 मई के लिए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस भव्य आयोजन को और विराट रूप देंगे। धन्यवाद। जय।